पूरा कंसंट्रेट चैप्टर सिक्स का एक्सरसाइज का नंबर नाइन. अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली रेस्ट मतलब यू इज इक्वल टू जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी हुई है. इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? कॉन्स्टेंट. The power delivered to it at time t is proportional to dash. तो find करना है इसका जो power है वो time के कैसे depend करता है. मतलब power हमको time के relation में find करना है. Basic चीज बता दूं, power is equal to होता है work on time. Clear? अब यहां से देखो, u तो zero है, acceleration क्या है यहाँ पे? Constant है. तो power is equal to actual होता है वर्क अपॉन टाइम. इसमें जो वर्क है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको डेल्टा के बोलते हैं. और डेल्टा के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि यू जीरो है. तो सिर्फ बचेगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम. हमने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला पढ़ी है, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम. वेलोसिटी तो हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन यू तो जीरो है तो वी क्या मिलेगा? ए टी. तो यहां हो जाएगा पी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर. वी का स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए टी की होल का स्क्वायर अपॉन टी. तो यहां देखा जाए तो वैल्यू बन जाएगी पी इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर. ऊपर आएगा टी स्क्वायर, नीचे एक टी है तो सिर्फ टी बचेगा. मास हमेशा कांस्टेंट होता है, वन बाय टू नंबर कांस्टेंट है. ए मतलब एक्सेलरेशन, तो यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. तो लिखेंगे पावर प्रोपोर्शनल टू टी. तो जो पावर है वो टाइम के क्या है? प्रोपोर्शनल है. यानी तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन टू आएगा. तो पावर जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है. ये था नंबर नाइन. अब हम करेंगे नंबर टेन. टेन पे कॉन्सेंट्रेट. ध्यान दो टेन में क्या दिया हुआ है. अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली. यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन. अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट पावर. अब बोला है पावर कॉन्स्टेंट है. इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल डैश. बोला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो टी के फॉर्म में. पावर कॉन्स्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो. अब नॉर्मल बात है, पावर यहाँ पे है कॉन्स्टेंट. पावर खुद क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. टाइम मल्टीप्लाई में तो वर्क प्रोपोर्शनल टू टाइम. वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम. अच्छा फोर्स, तो फोर्स होता है एम ए इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम. एम सेम एक्सेलरेशन क्या होता है? इट्स वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम. टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर. तो मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर. वेलोसिटी खुद क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इंटू डिस्टेंस सेम. और यहाँ पे टी स्क्वायर, ये टी मल्टीप्लाई है सामने. तो ये बन जाएगा एम
डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा टी का क्यूब, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पे है, एक टी और आएगा, मास कांस्टेंट होता है, तो डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो ये डी स्क्वायर है सामने जाएगा रूट में, तो टी का जो क्यूब है उसको रूट में यानी डिवाइड बाय टू आ जाएगा, मतलब डी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टी रेस टू थ्री बाय टू, यानी तुम्हारा ऑप्शन मैच करेगा थर्ड ऑप्शन टी रेस टू थ्री बाय टू। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पावर कॉन्स्टेंट है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम मल्टीप्लाई में, वर्क प्रोपोर्शनल टू टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम, फोर्स होता है एमए इनटू डी प्रोपोर्शनल टू टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम मल्टीप्लाई में, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक और टाइम मल्टीप्लाई में, और फिर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस क्या बन जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, और फिर उसको रूट कर देंगे। क्लियर, लिख लेना है नोटबुक में दोनों 9B 10B। उसके बाद हम करेंगे नंबर 11, पूरा ध्यान 11 पे। A body constrained to move along z-axis. Body जो है वो z-axis में move कर रही है. Of a coordinate system is subject to a constant force. और वहाँ पे force constant है. कितना है force? F equals to minus I plus 2J plus 3K cap Newton. Where IJ क्या है? Unit vectors along the x and z-axis of the system respectively. What's the work done by this force in moving the body a distance 4 meter along z axis? Body ko move karna hai 4 meter, wo bhi z axis mein, matlab jo distance hai na wo kitna hai 4 meter hai lekin k cap mein, k cap ka matlab hota hai z axis. Hume find karna hai work done, to work done ki formula humne padhi hui hai f dot d, f ki value minus i प्लस 2j प्लस 3k डॉट डी, डी कितना है 4k, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना है आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के को के के साथ। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेफ्ट में आई जे है लेकिन यहाँ पे आई जे नहीं है, तो आई जे वाले का सिस्टम जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा k कैप, तो 3k कैप डॉट 4k कैप बिकम्स 12 जूल, वर्क डन की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 12 जूल। याद रखना डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम होता है, बाकी का जीरो हो जाता है। क्लियर, लिख लेना ये भी लाओ नंबर। उसके बाद ट्राई करेंगे नंबर 12, पूरा कंसंट्रेट नंबर 12 पे। An electron and proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt. जो लिखा है KeV. KeV का मतलब होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी वैल्यू होती है किलो मतलब 10^3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो याद रखना KeV क्या होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका मतलब होता है किलो का मतलब 10^3, EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ सम फिर से, एक इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 KeV, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 KeV, एंड द सेकंड विथ 100 KeV, और जो प्रोटॉन दिया हुआ दूसरा पार्टिकल उसकी एनर्जी कितनी है 100 KeV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बोला है
दोनों में से फास्टर कौन होगा, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड के रेशियो से बताना है दोनों में से कौन फास्टर होगा। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो लेंगे तो कैसे लेंगे, लिखेंगे के इलेक्ट्रॉन अपॉन के प्रोटॉन, सामने लिखेंगे हाफ एम इलेक्ट्रॉन वी इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे हाफ एम प्रोटॉन वी प्रोटॉन का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लगाई हमने, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो गया। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 दी हुई है, प्रोटॉन की 100 दी हुई है, दोनों में के ई भी आएगा लेकिन कट हो जाएगा, तो हमने लिखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन सेम, वेलोसिटी सेम, प्रोटॉन का भी मास सेम, वेलोसिटी सेम, एक जीरो तो गया, एमपी इस तरफ मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला मिलेगी तुम्हें एमपी डिवाइड बाय 10 एमई इज इक्वल टू वीई स्क्वायर अपॉन Vp square. अब इसमें MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है क्वेश्चन में, वो दिया है 1.67 × 10⁻²⁷ डिवाइड बाय 10, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है 9.11 × 10⁻³⁶, ये एज इट इज। अब अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1.67 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9.11, एक सेकेंड, 1.67 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9.11, तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें 0.01833 × 10⁴। इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा तुम्हें 183.3 VE स्क्वायर डिवाइड बाय VP स्क्वायर, फिर रूट कर देंगे इसका। अब इसका रूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 183.3 का रूट, तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें 13.53 इज इक्वल टू वी ई अपॉन वी पी, यानी हम लिखेंगे वी ई इज इक्वल टू 13.53 वी पी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो प्रोटॉन से 13.53 टाइम ज्यादा है, नीचे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से फास्टर है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, 13.53 टाइम ज्यादा है। क्लियर, लिख लो।